सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, MBA के कैपराउन 2 का जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से जो डिसीजन है वो ले सकते हो, क्या आप सेकेंड राउंड में भी बेटरमेंट कर सकते हो या फिर नहीं, क्या आपको फिर से पैसे जो है वो पे करना पड़ेगा या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। साथ ही में गाइज जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो आज से मतलब 12 तारीख से जो है वो शुरू हो जाएगी, एंड 14 तारीख तक ये जो प्रोसेस है वो चलेगी। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हो एंड उस कॉलेज में जाके एडमिशन जो है वो ले सकते हो। साथ ही में अगर आपको बेटरमेंट करना है तो बेटरमेंट भी आप जो है गाइज वो कर सकते हो। सारे जो ऑप्शंस है वो आपको लॉगिन में जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बट जो डेट्स है वो है 12 से 14 तारीख, इसके बीच में आपको सारी जो प्रोसेस है वो करना होगा। अब फ्रीज करना चाहिए, बेटरमेंट करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ, एंड क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके पहले गाइज मैं आपको अलॉटमेंट लेटर में आपको क्या देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। तो पहले तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो रहेगी। अब देखो, स्टूडेंट को कैपराउंड 1 में एक जो कॉलेज है वो लगा था, एंड कैपराउंड 2 में इसने जो है वो बेटरमेंट के लिए जो है वो अप्लाई किया था। तो अगर आपका बेटरमेंट होता है पर फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिलता है एंड सेकेंड राउंड में अगर आपको डिफरेंट कॉलेज मिलता है, तो यहाँ पे आपको चेंज इन चॉइस कोड जो है वैसा लिख के आएगा। मींस फर्स्ट राउंड में आपको कोई अलग कॉलेज मिला था एंड सेकेंड राउंड में कोई आपको अलग कॉलेज मिलता है, तो जो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा वही आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड का आपका जो कॉलेज है वो चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चेंज इन चॉइस कोड जो है वैसा लिख के आता है। इसका मीनिंग यही होता है कि आपको सेकेंड राउंड में बेटरमेंट जो है वो मिला है, मीन्स फर्स्ट से ले जो कॉलेज मिला था वो नहीं मिलेगा अभी आपको, सेकेंड राउंड में जो न्यू कॉलेज है वो मिला है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख के जो है वो आता है। जिन लोगों को कैपराउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था एंड कैपराउंड 2 में भी वही कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनके अलॉटमेंट लेटर में ऐसा लिख के नहीं आता है, उधर लिख के आता है नो चेंज इन चॉइस कोड, जो कैपराउंड 1 में मिला था वही कैपराउंड 2 में जो है वो उन्हें मिला रहेगा। तो ऐसे भी काफी सारे जो स्टूडेंट है वो रहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पहली बार कॉलेज मिला होगा उनके इसमें बस कॉलेज का जो नाम है वो रहेगा, ठीक है, एंड जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला उनके उसमें कुछ भी जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी आप कौन से जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो अभी देखो गाइज, अभी हम ये वाली सिचुएशन में कैपराउंड 2 हमारा जो है वो हो गया है, एंड अभी हमारे लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को कैपराउंड 2 में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो डायरेक्टली जो है वो कैपराउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर आपने कैपराउंड 1 में आपको ऑटो फ्रीज हो गया था कॉलेज, तो आप जो है वो कैपराउंड 2 या फिर 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही में अगर आपको कैपराउंड 2 में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला होगा तो आपको वही लेना पड़ेगा, नहीं तो आप शायद थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। अदर देन अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज अलॉट होता है कैपराउंड 2 में, तो आप थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रह सकते हो। डिपेंड करेगा आप कौन सा डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो कैपराउंड 2 में जो कॉलेज आपको लगा है, अगर आपको लगता है कि वही कॉलेज अच्छा है उसी में एडमिशन लेना है, तो आप अपने कॉलेज को जो है वो फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। फ्रीज करके उस कॉलेज में जाके जो अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अगर आप फ्रीज करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार जो कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड में वो तो अच्छा है, बट ट्राई कर सकते हैं कि और बेटर जो कॉलेज है वो हमें मिल जाए, तो आप फिर जो है वो बेटरमेंट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको लॉगिन में मिलेगा। बेटरमेंट से क्या होगा कि जो आपको कैपराउंड 2 में कॉलेज मिला है वो आपके पास रहेगा, एंड आप कैपराउंड 3 का फॉर्म जो है वो भर पाओगे। कैपराउंड 3 में आप जब फॉर्म भरोगे, तो अगर आपको कैपराउंड 3 में और कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो कैपराउंड 2 का कॉलेज आपका चला जाएगा, एंड कैपराउंड 3 में जो कॉलेज आपको मिला है वो आपके पास रहेगा। अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो कैपराउंड 2 का ही कॉलेज आपको कैपराउंड 3 में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्हें कैपराउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है, कैपराउंड 2 में वो बेटरमेंट के लिए गए बट उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो कैपराउंड 1 में था वही मिला, तो ये स्टूडेंट भी बेटरमेंट करके कैपराउंड 3 में जो है वो जा सकते हैं। अगर इनको कैपराउंड 2 में और कोई कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज उन्हें मिलेगा, अगर बेटरमेंट नहीं होता है तो जो कैपराउंड 1 में मिला था वही उन्हें जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको सारी जो चीज़ है वो सही से समझ में आ जाएगी, कन्फ्यूजन भी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें गाइस अभी देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे बेटरमेंट में, जिन्होंने कैपराउंड 1 में बेटरमेंट किया होगा एंड कैपराउंड 2 के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे, तो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। एक ऐसे बेटरमेंट वाले स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्हें बेटरमेंट मिला है, ठीक है, मतलब कैपराउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ एंड कैपराउंड 2 में एक डिफरेंट कॉलेज अलॉट हुआ, फिर अब आप आपको चेंज इन चॉइस कोड ऐसा लिख के आता है, तो इन्हें बेटरमेंट मिला, ठीक है। तो जो नया कॉलेज आपको मिला, अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज अच्छा है तो आप फ्रीज कर सकते हो, अगर नहीं लगता है कि यार इससे भी और अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप भी जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आपने कैपराउंड 1 में 1000 रुपीज़ पे किए हैं तो आपको कैपराउंड 2 के सीट एक्सेप्टेंस में कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो स्टेप है वो स्किप हो जाएगी। अगर आपको पहली बार कॉलेज लगा है एंड पहली बार आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो तो 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई तो किया बट बेटरमेंट नहीं मिला, जो कैप वन में कॉलेज था वही कैप टू में मिला। तो ऐसे स्टूडेंट को भी दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज एंड बेटरमेंट। अगर आपको फ्रीज करना है फ्रीज कर सकते हो, अगर आपको बेटरमेंट करके कैप राउंड थ्री में जाना है तो आप कैप राउंड थ्री के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दी है। इसके अलावा जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है वो उनको वही कॉलेज लेना पड़ेगा एंड आप थ्री के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ये ध्यान में रखना। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे यार मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कैप राउंड टू का। तो बेटा आपको अगर फर्स्ट राउंड में एक फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला होगा तो वो ऑटो फ्रीज होता है, इसलिए आपको ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। अब सोच लो आपको फ्रीज़ करना है या फिर बेटरमेंट के लिए जाना है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो 12 से लेके तो 14 तक कंप्लीट कर लेना। एंड फिर अगर आप कैप थ्री के लिए जाते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है एंड कट ऑफ लिस्ट भी आपको जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।